हेलो दोस्तों, हर प्रोफेशन में उस प्रोफेशन का कुछ ना कुछ एथिक्स और एटिक्वेट्स तो होते ही हैं। ठीक इसी तरह एडवोकेट के प्रोफेशन में भी कुछ एथिक्स और एटिक्वेट्स है। मैं नक्षत्रा आज से एक नया सीरीज शुरू करने वाली हूँ प्रोफेशनल एथिक्स ऑन एडवोकेसी पर, और इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। इस पूरे वीडियो को हम चार सेक्टर में डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि एंशियंट इंडिया के पीरियड में, यानी कि एंशियंट इंडिया के ज़माने में लीगल प्रोफेशन का इंडिया में क्या स्थान था, और उसके बाद में देखेंगे मेडिवल इंडिया के पीरियड में, यानी कि मुगल्स के इंडिया में आने के बाद लीगल प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस लाया गया, और उसके बाद में देखेंगे कि ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लीगल प्रोफेशन के तरफ क्या था, और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस लेके आए। बचपन से हम कुछ ना कुछ राजा महाराजा की कहानियां तो जरूर सुने होंगे। सो इन कहानियों से हमें पता चलता है कि उस जमाने में राजा का जो कोर्ट था, उनका जो दरबार था, उसको हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था। और साथ में ये भी सुना है कि राजा अपने राज्य को कैसे संभालते थे, उनके रीति रिवाज कैसे थे, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे। सो इससे पता चलता है कि उस जमाने में जुडिशियल प्रेसिडेंट कंसेप्ट तो था ही। अगर उस राज्य में रहने वाले किसी के साथ कुछ गलत होता है, या तो किसी ने उसको कुछ ठेस पहुंचाया है, या उसके खिलाफ कुछ होता है, तो वो जो नुकसान हुआ है उसको इंजर्ड पार्टी बोलते हैं ना, तो वो इंजर्ड पार्टी क्या करते थे, तो राजा के पास जाते थे और राजा के सामने वो अपने कंप्लेंट्स को फाइल कराते थे। राजा के सामने जब भी कोई केस आता था तो राजा दोनों पार्टीज को, जिसने कंप्लेंट किया है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते थे और दोनों की सुनवाई भी सुनते थे। दोनों पक्षों की सुनवाई को सुनने के बाद राजा अपने डिसीशन को बताते थे, उनका जो भी जजमेंट था वो बताते थे, और दोनों पार्टीज को राजा के जो भी डिसीशन थे उसको मानना पड़ता था, क्योंकि राजा का डिसीशन जो है वो फाइनल डिसीशन होता था। इस समय पे तो वकील का कंसेप्ट तो नहीं था, लेकिन जस्टिस को तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया। द कंसेप्ट ऑफ वकील वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, बट दे प्रोटेक्टेड द जस्टिस। यहाँ पे लीगल प्रोफेशन का कोई स्पेसिफिक रिकॉग्निशन तो नहीं था। इसके बाद में आया मेडिवल इंडिया पीरियड। कंपेयर टू हिंदूस, मुगल्स गेव लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन आर कंट्री। मुगल्स के इंडिया में आने के बाद में ही लीगल प्रोफेशन इंडिया में आया। इन्होंने दो कोर्ट इंडिया में एस्टैब्लिश किया, एक था जिला कोर्ट और दूसरा था सरदार दीवान अदालत। इंडिया में वकील के कंसेप्ट को मुगल्स ही लेके आए थे। द मुगल्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वकील्स, दे ऑल्सो फिक्स द फीस फॉर एवरी वन केस, और साथ में ही उन्होंने हर केस का फीस को भी फिक्स किया था कि कैसे केस था तो उस केस के हिसाब से कितना फीस चार्ज कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट को भी मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद में आया ब्रिटिश इंडिया पीरियड। 1726 में चार्टर एक्ट पास हुआ था। थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड थ्री मेयर कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो चार्टर एक्ट 1726 के एस्टैब्लिश होने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनके तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे, जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे, इन तीनों टाउन्स में उन्होंने अपना मेयर कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। 1726 के चार्टर एक्ट में कुछ कमी थी, तो इसको पूरा करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1753 को एस्टैब्लिश किया गया। द ब्रिटिशर्स एनेक्टेड दिस एक्ट टू मॉडिफाई व्हाट आर द लैकुनास देयर इन द चार्टर एक्ट 1726। 1774 में जो चार्टर एक्ट एस्टैब्लिश हुआ, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने अपना तीन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एस्टैब्लिश किया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1774 एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। देन दे एस्टैब्लिश थ्री सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद ब्रिटिशर्स ने बता दिया कि कोर्ट शुड परफॉर्म देयर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू आर कस्टम्स। इस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे तरीके के लीगल प्रैक्टिशनर्स थे, जैसे कि मुक्तास, प्लीडर्स, एजेंट्स, से बहुत नाम से उनको बुलाया जाता था, वकील, और बहुत सारे लीगल प्रैक्टिशनर्स जो थे वो टेम्पल के प्रीस्ट थे। तो ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बता दिया कि
कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी वो इंग्लिश लॉ के मुताबिक ही चलेगी और हमारे कस्टम्स के मुताबिक नहीं चलेगी। इसके वजह से हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स जो भी थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इन सुप्रीम कोर्ट आर लीगल प्रैक्टिशनर्स कैन नॉट प्रैक्टिस, और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उनको इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, और सिर्फ जिसने बैरिस्टर की डिग्री पाई है सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते थे। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि कौन एडवोकेट बनेगा और किनको एडवोकेसी से निकाला जाए। आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ एनरोल एंड रिमूवल ऑफ एडवोकेट। ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में और बहुत सारे एक्ट को एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में एस्टैब्लिश हुआ, फिर ऑल इंडिया बार कमिटी एक्ट जो 1926 में एस्टैब्लिश हुआ, फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल एक्ट 1926। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में ऑल इंडिया बार कमिटी ने एक कमिटी बनाई। इस कमिटी के चेयरमैन थे एसआर दास। इनके रिकमेंडेशन के मुताबिक लीगल प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस लेके आए, जैसे कि देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लीगल प्रैक्टिसिंग इन एंटायर इंडिया। सो इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग तरीके के लीगल प्रोसीडिंग्स जो चलती थी वो अलग अलग होता था, अलग अलग तरीके के जजमेंट दिए जाते थे। एक ही टाइप का केस होता था लेकिन जजमेंट अलग अलग होता था। तो इसके लिए उन्होंने ये रिकमेंड किया कि एंटायर इंडिया में लीगल प्रैक्टिसिंग जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि लीगल प्रैक्टिशनर्स जो है उनको सारे इंडिया में एडवोकेट के नाम से बुलाया जाए। रिकॉग्नाइज ओनली वन टाइप ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर इन एंटायर इंडिया कॉल्ड एज एडवोकेट। तो इसके वजह से जो भी बाकी के जो लीगल प्रैक्टिसिंग थे, जैसे कि एजेंट्स, प्लीडर्स, वकील, मुक्तास, इन सारे टाइप्स के लीगल प्रैक्टिशनर्स को अबॉलिश किया गया। और इसके साथ में स्टेट बार काउंसिल जो है वो हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल रहेगा और एंटायर इंडिया के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी रहेगा। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंगल बार काउंसिल फॉर द एंटायर इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल फॉर ईच स्टेट। द पावर ऑफ एनरोलमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ एडवोकेट्स टू द बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल के हाथ में ये पावर दिया गया कि वो अपने स्टेट के जो भी एडवोकेट्स हैं उनको एनरोल करें, उनको सस्पेंड करें, या उनके किसी मिसकंडक्ट के वजह से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। और साथ ही स्टेट बार काउंसिल जो है वो उनके स्टेट के जो भी एडवोकेट्स हैं उनके सारे रोल को वो मेंटेन करेगी। कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट शुड बी मेंटेन्ड बाय द बार काउंसिल। और बार काउंसिल जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वालिफिकेशंस रहेंगे, और जिन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करने से कोई एडवोकेट बन सकता है, और कुछ डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में भी बताया गया जिसके वजह से किसी को बार से निकाला भी जा सकता है। फिफ्थ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसे ही सिमिलर रिकमेंडेशन दिए थे उनके 14th रिपोर्ट पे, और उनके मुताबिक बना इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961, और उसके बाद में बना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है उसमें 60 सेक्शंस और 7 चैप्टर्स में है। द एडवोकेट हुज नेम आर एंटर्ड इन द कॉमन रोल वुड बी एंटाइटल्ड फॉर द राइट टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। तो जिसने भी एडवोकेट एनरोल होने के लिए एंटाइटल्ड हैं, जिनकी भी सारी क्वालिफिकेशंस जो फुलफिल हुआ, वो एडवोकेट बनने के लिए जब एंटाइटल हो जाएंगे तो उनको पूरा राइट्स दिया जाता है कि वो सारे इंडिया में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट पे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। द एडवोकेट एक्ट 1961 अमेंडेड मेनी टाइम्स टू ब्रिंग चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम एंड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जो एडवोकेट एक्ट 1961 है ये टाइम टू टाइम पे बहुत बार अमेंड हो चुका है, क्योंकि टाइम टू टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे सोसाइटी के नीड्स जो है वो अलग अलग होता जाता है, और लोगों का जो नीड्स और इंटरेस्ट है वो बदलता जाता है, और उसके मुताबिक ही लॉ भी बनती है। तो इसके वजह से एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वो बहुत बार अमेंड हो चुका है, और इसके वजह से बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के फर्स्ट चैप्टर में कुछ प्राइमरी इश्यूज मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट और डेफिनेशंस।
चैप्टर टू जो है वो सेक्शन 3 से लेके 15 तक डील करता है और इसमें बार काउंसिल के बारे में बताया गया है। बार काउंसिल यानी कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 जो है ये एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स के बारे में बताती है। तो चैप्टर 3 में बताया जाता है कि एडवोकेट बनने के लिए उनको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है और किन वजह से वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, और टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि वो सीनियर एडवोकेट हो या अदर एडवोकेट्स। चैप्टर 4 जो है ये डील करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ एडवोकेट्स। ये बताया गया है सेक्शन 29 से लेकर 34 के अंदर। और चैप्टर 5 जो है ये डील करता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, यानी कि एक एडवोकेट को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनकी क्या क्या गलतियाँ जो है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा, और इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए उनको क्या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 5 में बताया गया है। चैप्टर 6 जो है वो मिसलेनियस इश्यू पे डील करता है, और चैप्टर 7 जो है वो टेम्प्रवरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन्स पे डील करता है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया के बारे में कुछ जानकारी तो ज़रूर मिला होगा। आने वाले वीडियो में प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एडवोकेसी के कुछ नए टॉपिक के साथ मैं नक्षत्र आपको फिर से मिलती हूँ। अंटिल देन टाटा बाय बाय।